जी नाज़रीन, नेशनल न्यूज़ नामा की टीम दियारगढ़ में मौजूद है। जो पहले खबर ब्रेक हुई थी उसके मुतालिक हम जानेंगे। जी कैप्टन साहब, मेरा नाम कैप्टन शीन सी है, मेरा तल्लक सब कमिश्नर चेक दियारगढ़ से है। ये वाकया जो न्यूज़ में आया है ये वाकई हुआ है, लेकिन इस वक्त तक मसीही बरादरी जो है वो बिल्कुल महफूज है और माहौल बिल्कुल तसली बख्श है। खुदा उनका फजल है और दुआ करते हैं कि खुदा इस माहौल को किसी तरह पुरसकून रखे। जी आप इस एरिए के खादम हैं तो अभी तक पुरअमन तरीके से आप रह रहे हैं? जी अभी तक पुरअमन तरीके से। इंतजामिया ने आपका कुछ साथ दिया, यहाँ फोर्स वगैरह पुलिस वगैरह आए? अभी तक तो नहीं आई। जो खबर छाया हुई है दियारगढ़ के हवाले से, इसका मसीहियों के साथ ना तो कोई तल्लक है और ना ही दूर से कोई वास्ता है। ये मुस्लिम कम्युनिटी के कब्रिस्तान में ये वाकया हुआ है, लेकिन हालात साजगार हैं और पुरसकून हैं। कोई यहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम नहीं जो मुश्किल और परेशानी कर सके। जी नेशनल न्यूज़ नामे की टीम जहाँ ये वकूआ हुआ था हाजी अशर के साथ, हाँ सब हमें ये बताएं तो ये क्या वकूआ है? ये इधर शहीद करमपाग और कादर स्ट्रीट है, तो किसी ने वैसे ही या कुछ नाम लूम आदमी पता नहीं किधर से तो गाड़ी आ गई है और कोई किसी किस्म का कोई इंतजार नहीं है। और अमन है वो सारा हमने कर दिया, किसी किस्म का कोई खदशात नहीं है यार, बहुत अच्छे तरीके से सारा लिया आपको। भाई साहब आप ये बताएं, यहाँ मसीह आ रहे हैं उन्हों को तो कोई खतरा या परेशानी तो नहीं है? हमारे भाई हैं, किसी किस्म का उनको कोई खतरा नहीं है, किसी के ना वो खिलाफ है ना हम खिलाफ। तो आप या इस गांव में कितने साल अरसा मिलकर रह रहे हैं? हम तकरीबन पाकिस्तान से पहले के भी यहाँ आबाद आई और वो सब एक दूसरे के साथ अच्छी तरह मिल रहे हैं। वो आपकी मजहबी चीजों का एहतराम करते हैं? हम भी करते हैं, वो भी करते हैं, हम एक दूसरे के आते जाते हैं, मिलते हैं, इकट्ठे रहते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। नाज़रीन ये देखें, ये वो कब्रिस्तान है जिसकी खबर चल रही थी।